गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ SJ ब्लॉग्स। सबसे पहले तो आपको ये बोलना चाहूंगा कि यार बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है इधर YouTube पे, तो कैसे हैं आप लोग? मैं बढ़िया हूँ। कारण क्या था कि बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही, वो भी इस बार है इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आपने टाइटल देखा है कि आज से एक राइड की शुरुआत हो रही है। देखो, राइड तो मैं अगर आपको बताऊं तो पहले मैं बहुत ज्यादा ही राइड किया करता था, मतलब हर महीने राइड करता था। पिछले साल थोड़ा ऐसा हो गया कि मैं आ गया था इधर धर्मशाला, जिसके बाद थोड़ा सा होस्टिंग वगैरह का काम स्टार्ट किया, जिसके कारण मतलब ऑब्वियसली राइड थोड़ी सी कम हो गई। और इन बिटवीन भी बहुत सारी चीजें हुई कि मैंने धर्मशाला में अपना घर लिया, अपना फ्लैट लिया। ये जो फ्लैट जहां पर मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे मैं रहता हूँ, इसके ऊपर मैं होस्ट करता हूँ, आज भी गेस्ट है। तो गेस्ट का जब चेकआउट हो जाएगा उसके बाद मैं राइड पे निकलूंगा। तो अब क्या प्लान है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले जैसे आप देखते थे कि हर महीने राइड होती थी, वापस से मैं हर महीने राइड स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी हम लोग कश्मीर के लिए निकल रहे हैं। कश्मीर से आने के बाद हमारा प्लान है चंबा का, जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था। चंबा के बाद फिर हमारा शायद प्लान होगा स्पीति का, और स्पीति का अगर नहीं भी होता है तो हम शायद बिहार जाएंगे अपने घर, और उसके बाद वहां से हम चार धाम के लिए निकलेंगे, और चार धाम के बाद हम लद्दाख पहुंचेंगे। मतलब जून 2024 का जो जून है उसमें 2 जून को मैं जम्मू से स्टार्ट करूंगा लद्दाख राइड। आज का प्लान है कि आज मैं यहां से जम्मू जाऊंगा, और जम्मू के बाद फिर हम पहलगाम के बाद जो कश्मीर। वैसे मैंने बहुत बारी ट्रैवल किया है, आपको दिखाया है, लेकिन कश्मीर का जो ओरिजिनल जो टूरिस्टिक डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पर सारे लोग जाते हैं, वहाँ पर मैंने आपको उसके बारे में कभी नहीं बताया। तो आज के इस वीडियो से जो सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें कश्मीर के जितने भी टूरिस्टिक डेस्टिनेशंस हैं, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, श्रीनगर, गुरेज अगर खुला हो तो गुरेज, ये सारी जगहों को अपने बाइक के थ्रू एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे। इससे पहले थोड़ा सा मैं अपने घर का भी, जो ये मेरा धर्मशाला का घर है, इसका टूर दे देता हूँ। ये है कॉमन एरिया, मतलब लिविंग रूम, जिसमें मैंने यहाँ पे टीवी भी लगाई है। ये टीवी मैंने दरवाजे के इधर लगाई है, ऑल दो पूरा प्रोटेक्शन के साथ लगाया है, और नीचे भी डोर स्टॉपर है। और ये मेरा स्टूडियो है, स्टूडियो में एक बेड भी है, और यहाँ पे मेरा पूरा कंप्यूटर सेटअप, लैपटॉप वगैरह है। आप देखो कि चीज़ें चार्ज भी हो रही है, एंड मेमोरी कार्ड्स वगैरह बाहर रखा हुआ है, ड्रोन की बैटरी है यहाँ पे, मतलब बॉक्सेस वगैरह स्टोरेज की जगह हैं। और यहाँ से अगर आप देखो तो ये है मेरा किचन, किचन भी मैंने पूरा मॉड्यूलर करवा दिया है इसको। और यहाँ पे इस साइड है मेरा बंक बेड। आप में से कोई लोग आता है अभी फ़िलहाल, क्योंकि आपको पता है मैं सिंगल ही हूँ तो इधर यहाँ पे आप लोग आके बड़े आराम से रह सकते हो। और यहाँ से दिखता है भाई धौलाधार माउंटेन्स, ये देखो, और ये है विलेज। तो आज बहुत दिनों के बाद हमने अपनी बाइक को भी निकाला है। ये लास्ट जो राइड हमने हिमाचल की थी उसके बाद ये पैक्ड थी, गंदी भी हो गई, तो आज इसको पहले वॉश कराएंगे, उसके बाद राइड पे निकलेंगे। तो फटाफट पहले मैं चलता हूँ यार अपने बाइक को वॉश करवाने। वैसे तो बाइक को सर्विस कराए हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, और तो अभी सर्विस वगैरह में कोई ऐसा इशू है भी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि बाइक में कोई प्रॉब्लम हो रही हो। तो हो सकता है मैं जब श्रीनगर पहुंचूं तो एक बारी जनरल चेकअप वगैरह, क्लीन चेन क्लीन वगैरह करा लूं। फ़िलहाल तो बस हमें पेट्रोल डलवाना है और इसकी वॉशिंग करानी है। आई होप हमारा वॉशिंग का काम यहीं पे हो जाए। गाड़ी धुल गई है, गाड़ी धुल के गाड़ी लोड भी हो गई है, और प्लान में एक छोटा सा चेंज है। वो चेंज क्या है वो मैं आपको, क्योंकि आप देख रहे हो मैं पूरी तरह से गियर्ड अप हूँ, तो अब राइड पे यहाँ से निकलेंगे, और राइड पे निकलते हैं जब मैं बाइक पे बैठूंगा तो गोप्रो कैमरा के साथ आपसे बातें करते हैं, और प्लान में चेंज क्या है वो भी बताते हैं। चलो भाई, बहुत इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ देखने के बाद फाइनली हम निकल तो गए हैं। और हम निकल के कहाँ जा रहे हैं? पहले मैंने सोचा यार कि मेरे पास एक्चुअली 6 दिन का टाइम था, अभी 1 तारीख से 6 तारीख तक, 1 अप्रैल टू 6 अप्रैल। तो मैंने सोचा क्या करूँ, पहले प्लान बनाया मैंने कि कश्मीर जाता हूँ, जैसा मैं आपको अभी थोड़ा देर पहले बता भी रहा था। खैर वो थोड़ा देर पहले कल की बात थी, आज मतलब ये नेक्स्ट डे है, सुबह सुबह का टाइम है, धौलाधार पे बैठे शिवजी हमें देख रहे हैं। तो आज के इस राइड की शुरुआत करते हैं अपने महादेव के नाम के साथ, भोलेनाथ।
सबके साथ, हर हर महादेव। जिनको भी मतलब आइडिया नहीं लग रहा है, अभी इस वक्त मैं हूँ धर्मशाला में, और अगर आप बहुत दिनों के बाद मुझे देख रहे हो, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ही वीडियो डाल रहा हूँ मैं, और आपको नहीं पता है कि मैं धर्मशाला में क्या कर रहा हूँ, तो धर्मशाला में मेरा होम स्टे है और मैंने यहाँ पे घर वगैरह ले रखा है। यहीं पे अब मैं रहता हूँ दिल्ली से शिफ्ट होकर, और यहीं पर लोगों को होस्ट भी करता हूँ। तो वो जो छोटा सा प्यारा सा घर देख रहे हो, वो मेरा घर है धर्मशाला में, इस प्यारे से खेत के बीच में। यहाँ पे अब हम चल पड़े हैं। हाँ, पहले मैंने सोचा कि मैं यार धर्मशाला से कश्मीर जाता हूँ, लेकिन 6 दिन थे और 3 दिनों से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद था, आज खुला है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा और 6 दिन में मैं प्रॉपरली विजिट कर नहीं पाऊँगा। 10 तारीख से मेरा फिर से प्लान था राइड का, 10 तारीख से 18 तारीख तक, करीब 8 से 9 दिन। तो मैंने सोचा ये वाला जो 10 से 18 वाला दिन है, उसमें मैं कर लूँगा कश्मीर। और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अभी फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ नारकंडा की तरफ। अब नारकंडा से मेरा आगे क्या प्लान रहेगा, ये कल मुझे खुद भी कल पता चलेगा। एक मेरा प्लान है कि मैं नारकंडा से चितकुल जाऊँ। चितकुल एनी हाउ मुझे जाना ही है, चितकुल मैंने बाइक से कभी नहीं किया है, तो चितकुल मुझे जाना है। चितकुल के बाद कल्पा के पास एक वैली है, पांगी वैली। ये पांगी वैली है या पांगी विलेज है मुझे नहीं पता, लेकिन पांगी है। और मैंने फ़ोटोज़ वगैरह देखा यार कि बहुत सुंदर सा लग रहा था। और साथ ही साथ एक वैली है ठियोक से आगे, जिसका नाम है पब्बर वैली, और पब्बर वैली से रास्ता जाता है चकराता का। चकराता है उत्तराखंड में, और फिर वहाँ से मेरा एक ऐसा प्लान है कि ये सारी जगह कवर करने के बाद, चकराता पहुँचने के बाद, कसौली जो कि हिमाचल में है, शिमला से पहले, सोलन से पहले, तो कसौली जाके फिर मैं वापस धर्मशाला आ जाऊँ। एक प्लान ये है। दूसरा प्लान है कि यार भले ही मैंने स्पीति 3-4 बारी कर रखा है, पर एक काम करते हैं, वापस से स्पीति चलते हैं, क्योंकि कल ही पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा ही बर्फ़बारी हुई है और बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिलने वाला है उधर। मुद विलेज में बहुत बर्फ़ मिलेगा, पिन वैली जिसको कहते हैं, काजा में बर्फ़ मिलेगा, नाको ताबो सब जगह बर्फ़ मिलेगा। ठंड वहाँ पे -15 -16 इस तरीके से है। तो मुझे पता नहीं कि आज तो मैं नारकंडा पहुँचूँगा। नारकंडा यहाँ से धर्मशाला से 8 घंटे का रास्ता है। पहले सोचा था कि फटाफट सुबह सुबह निकल जाएंगे, लेकिन सब कुछ करते हुए, घर को काम वाम करते हुए, थोड़े बर्तन वगैरह भी थे उनको धो धा के सब कुछ करते हुए मुझे 9 बज ही गए। तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, 8 घंटे का रास्ता है, स्टॉप कम लेंगे, राइड ज़्यादा करेंगे, बहुत दिनों के बाद निकले हैं। पेट्रोल मैंने लास्ट टाइम ही जब गाड़ी धुलवा के आ रहा था तभी भरवा लिया, तो अभी फ़िलहाल बस यहाँ से सीधा निकलना है। यार आज क्या मस्त यहाँ से धौलाधार दिख रहा है, ऐसा कभी भी इधर कांगड़ा के साइड आता हूँ तो ये पूरा फॉग के कारण दिखता नहीं है, और आज बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है इधर से। आजकल यार चल रहा है शिमला और कांगड़ा के बीच कंस्ट्रक्शन रोड का, मतलब हमीरपुर के बाद। लास्ट टाइम जब मैं गया था, पिछले साल गया था इस रास्ते से, मैंने पिछले साल मैं शिमला से धर्मशाला आ रहा था, जब आपको अगर याद होगा कि लास्ट टाइम जब मैं स्पीति गया था डॉक्टर साहब के साथ, मतलब ये जो DJ भाई थे जुगल जोशी, उनके साथ, तो इसी रास्ते से मैं आया था। तो हमीरपुर के बाद थोड़ा कंस्ट्रक्शन है, 4 लेन बना रहे हैं ये लोग, और अभी आप देखोगे कि हिमाचल में हर जगह ही काम चल रहा है, चाहे मनाली का रास्ता देख लो, चाहे पठानकोट से धर्मशाला का रास्ता देख लो, चाहे ये वाला पास देख लो। आने वाले टाइम पे हिमाचल का जो रोड है भाई, एक नंबर हो जाएगा यार। ये तो चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस आ रही है, मुझे लगा नहीं था कि मतलब रोड इतना अच्छा, ज़्यादा ख़राब नहीं है, बस यहीं पर ख़राब है, इसके बाद रोड है। ले भैया का यहाँ पर फंस गया, रुको यार इनको मदद करना पड़ेगा। कहाँ घुसा दिया भाई, आगे से पकड़ू, यहाँ से पकड़ता हूँ,
इधर इधर रुको रुको, स्टैंड लगाओ, ये वाला स्टैंड लगाओ, छोड़ दो, हटो वहां से। अब इधर पकड़ना, चलो ठीक है भाई। भाई मैंने इतना एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि इतना ज़्यादा ख़राब है रास्ता, और ये बस वाले यार कहीं भी रोक देते हैं। जय माता दी। ये लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हो, ये है ज्वाला माता का शक्तिपीठ, स्ट्रीट ज्वालामुखी। कांगड़ा के पास शायद 4 शक्तिपीठ है, एक कांगड़ा देवी, एक ज्वाला देवी, एक चामुंडा देवी, 3 शक्तिपीठ है शायद। अगर आसपास देखा जाए तो कांगड़ा से एक पास है नैना देवी और एक है वैष्णो देवी, और सिद्धपीठ में एक है बगलामुखी। तो कांगड़ा के पास ये मंदिर भी बहुत सारे हैं जो शक्तिपीठ है। एक और शक्तिपीठ कांगड़ा के पास है, वो है चिंतपूर्णी। तो भाई चलते चलते हम पहुंच गए हैं नदौन। नदौन से हमें यहाँ से ले लेना है लेफ्ट। नदौन से भी हम दिल्ली जा सकते हैं और चंडीगढ़ वगैरह भी जा सकते हैं। नदौन से अब हम यहाँ जाएंगे हमीरपुर, और हमीरपुर से आगे शायद शिमला की तरफ। तो यहाँ से हम जाएंगे शिमला, विच इज़ एट 157 एंड बिलासपुर 67। ये कौन सा हेलमेट है भाई। फ़िलहाल यार यहाँ पे समय हो गया है 1 बजने वाले, एंड ऐसा मन हो रहा है कि कहीं रुक के कुछ खा लें। अगर मैं आपको वेदर के बारे में बात करूं तो वेदर बहुत प्यारा है यार। लास्ट ईयर जब मैं इसी टाइम पे, मतलब थोड़ा पहले ही मार्च में ही, जब इस रास्ते से आ रहा था, उस दिन इतनी तेज़ गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन आज इतना मस्त मौसम है भाई। चलो भैया हाईवे रसोई पे कुछ खाना खाते हैं। आज के खाने में है हमारे पास चावल, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, रायता और रोटी। बढ़िया खाना खा के बढ़िया वादियों के नज़ारे लेते हुए, मज़े लेते हुए निकल पड़े हैं हम। अभी करीब 170 किलोमीटर और है यहाँ से नारकंडा, और करीब 120 किलोमीटर के आसपास है शिमला। समय अभी हो रहा है 3:30। हमीरपुर से अब हम आ गए हैं हिमाचल। क्या भैया असेंबली ग्राउंड है क्या, अटेंशन में आ गए? बढ़िया, जा रहे थे जाते ही रुक गए ओ यार इतनी रंग बिरंगी दुनिया, दो आंखों में कैसे भाए। हमीरपुर के बाद हम आ गए हैं हिमाचल के एक और बड़े शहर में, जिसका नाम है बिलासपुर। और बिलासपुर ठीक ठाक, मतलब डेवलप्ड है यार, ऐसा कोई स्मॉल टाउन या विलेज नहीं है, काफ़ी बड़ा शहर है। और बिलासपुर से आप अगर आप दिल्ली से मनाली जाते हो तो रास्ते में बिलासपुर भी आता है, हालांकि अब तो बाईपास हो जाता है। यहाँ से नहीं है, यहाँ से कुछ और है हमें जाना है यहाँ से सीधा। अब बिलासपुर बाईपास हो जाता है जब जो नया रोड बन गया है किरतपुर से सुंदर नगर के लिए, तो बिलासपुर को बाईपास करते हुए जाते हैं, बट पहले बिलासपुर भी आता था। यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो लेफ्ट आप पहुँच जाएंगे मनाली 157 किलोमीटर पे, और राइट समथिंग 100 कुछ किलोमीटर पे आप चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे। हमें क्यों राइट भेज रहे हो भैया, हमें राइट तो नहीं जाना था। तो ये रास्ता राइट को चला जाएगा चंडीगढ़, और लास्ट टाइम जब मैं मनाली से जा रहा था तो इसी रास्ते से मैंने आपको पूरा ये मनाली का नया हाईवे बताया था, और ये जो रास्ता है ये चला जाएगा शिमला। शिमला यहाँ से करीब 80 किलोमीटर है, और जो हमारा डेस्टिनेशन है दैट इज़ 142 किलोमीटर्स, एंड टाइम लगने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे के आसपास। तो यहाँ पर चलते चलते मैंने यार एक स्टॉप ले लिया, क्योंकि एक तो बहुत ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, बहुत मौसम अचानक से बहुत ठंडा हो गया, और सामने मैंने ये देखा शायद ये देवदार ट्रीज है और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं।
सब कुछ तो ठीक था, कचरा बहुत ज़्यादा डाल रखा है यार, इधर उधर उधर फेंक रखा है। तो भैया ऑलमोस्ट हम शिमला एंटर कर चुके हैं। यहाँ से जो शिमला का मॉल रोड है वो 7 किलोमीटर है, कुफरी यहाँ से 21 है, नारकंडा 73। और ये यहाँ पे हिमाचल की जो यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी, वो वाला एरिया है। यार शिमला एंटर करते ही जो वाइब आती है ना, इतना मतलब इतना बढ़िया से डेकोरेटेड सिटी है ये। चाहे यहाँ का रोड हो, चाहे यहाँ का मॉल रोड हो, चाहे यहाँ के घर हो, यहाँ का रिज, ऊपर जो है जाखू टेम्पल, वो सब बहुत बढ़िया से यहाँ पे डेकोरेटेड है। जाने देना भैया, मेरा डेकोरेशन मत कर देना। क्या मस्त, देखो एकदम इस सारे घर। ऑल्दो थोड़ा सा ये रिस्की है कि इतना डेंसली पॉपुलेटेड है शिमला, और यहाँ से नारकंडा हो, और यहाँ से नारकंडा है 65 एंड रामपुर 130। यहाँ से अभी हम लेफ्ट लेके टनल के थ्रू चले जाएंगे टुवर्ड्स कुफरी। तो चलो हम यहाँ पर टनल के थ्रू जा रहे हैं टुवर्ड्स कुफरी। और यार मुझे लगता है मैं यहाँ पे बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ। एक तो शायद लास्ट ईयर हम इधर आए थे, अब मुझे याद भी नहीं है कि इस साइड में आया थे कि नहीं, शायद आया था। बट अगर मैं इससे पहले बताऊं कि कभी मैं अगर दिल्ली से इस तरफ आया, तो वो टाइम था कि जब मैं विशेष के साथ 2021 में विंटर स्पीति कर रहा था। तो यहाँ पे कुफरी से पहले मैंने एक स्टॉप लिया था अभी। मैं एक्चुअली ये विंटर ग्लव्स पहन रहा था लोन रेंजर के, क्योंकि ठंड अचानक से बढ़ गई है यार। और एक मन मेरा ये भी हुआ कि 7 बजने वाले हैं, इनफैक्ट 7 बज भी गए हैं शायद, नहीं 6:45 हो रहा है। तो एक मन हुआ मेरा कि एक काम करते हैं, यहीं कहीं स्टे ले लेते हैं। यहाँ आधे घंटे में एक स्टे से बात भी हो गई। फिर अरे भैया क्या बात है, नाचो नाचो पहाड़ों में आए हो, नाचो। तो फिर यार देखते हैं मतलब क्या करना है। नारकंडा यहाँ से वैसे 1.5 घंटा लगेगा, और अभी 15-20 मिनट अभी लाइट और है। लास्ट ईयर जब मैं नारकंडा से आ रहा था तो हमारी बाइक ब्रेक डाउन हो गई थी, और मैं बहुत बुरी तरह फंस गया था रात में 10-11 बजे। वो तो डीजे भाई थे हमारे, डॉक्टर साहब जुगल जोशी, उनके कारण सारा मामला सही हुआ, हेल्प मिला। नारकंडा से करीब 10 किलोमीटर पहले यार मुझे एक होमस्टे दिखा है, मैं सोच रहा हूँ यहीं पे रुक जाएं क्या, देखते हैं, पूछते हैं पहले। रूम मिल जाएगा क्या, खाना भी मिल जाए, खाना भी मिल जाए। तो यहाँ पर भाई मैं नारकंडा से करीब 10 किलोमीटर पहले मैंने स्टे ले लिया, और अभी तक करीब 300 किलोमीटर की राइड हो गई आज। फर्स्ट डे पहाड़ों पे 300 किलोमीटर मतलब है थोड़ा वजनदार बात है ये, क्योंकि पहाड़ का 1 किलोमीटर इज इक्वल टू प्लेन का 3 किलोमीटर। हम बहुत ही ऐसे घूम घूम के धीरे धीरे जाते हैं। ऑल्सो रास्ता थोड़ा ख़राब था तो मैं थक भी गया था, और यहाँ से 10 किलोमीटर और ऊपर जाता तो ठंड और पड़ती। यहाँ पे मुझे एक रिजनेबल प्राइस में अच्छा सा होम स्टे मिल गया, मैंने सोचा यहीं रुकते हैं, खाना खाते हैं, फिर कल सुबह यहाँ से आगे जाएंगे। फिलहाल फ्रेश वगैरह होके मैं खाने का वेट कर रहा हूँ। तो हमारा खाना यहाँ पर आ गया है, और इतनी ठंड है कि खाना आते आते ही ठंडा हो गया। चिकन थोड़ा ज़्यादा है, कोई बात नहीं, हम निपटा देंगे। तो गाइस खाना खा लिया है मैंने, और आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमें फेसबुक पर पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, बर्फ के साथ स्नो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।